पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह को किसी महिला ने पुलिस अधिकारी बनकर बदतमीजी करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा युवा नेता विनय पटेरिया भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाना में इस मामले में FIR दर्ज कराई है। भाजपा नेताओं ने पुलिस को वहां नंबर भी उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को धमकियां दी गई हैं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 294/506/507 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी महिला को पकड़ने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थकों के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार सोहराब मंसूरी की रिपोर्ट। कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे मामले की तह तक जाना था ताकि मुझे दूसरा पक्ष भी पता चल सके। तो मैंने सोचा कि सही में कोई महिला अधिकारी होगी तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। उस नंबर पे मैंने फोन लगाया, मैंने 10 बार फोन लगाया, उसमें फोन नहीं उठा। फिर 11वीं बार खुद ही पलट के आधे घंटे बाद फोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मुझे फोन लगाया। मैंने कहा जी मैं छतरपुर से। मैंने अपना बहुत अच्छे से परिचय दिया और मैंने जानना चाहा कि वो कौन बोल रही है, आप कौन बोल रही है। तो उन्होंने मुझे आइडेंटिटी नहीं बताई अपनी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अभद्रता की मेरे साथ। तो मैंने उनसे बोला भी, वो बोली घरेलू हिंसा। तो मैंने कहा जी हाँ घरेलू हिंसा है, तो आप मुझे बताएंगे तभी मैं कंप्रोमाइज करवा पाऊंगी या कुछ तह तक जा पाऊंगी या उन लोग उस परिवार का कुछ भला हम लोग कर सकते हैं मिलके। लेकिन उन्होंने इस बात को पलटाते हुए और पता नहीं कहाँ कैसे क्या और बहुत ज्यादा अभद्रता करी फोन में मेरे साथ। तो मैंने इसकी शिकायत कल रात्रि को भी थाने गए थे, FIR वगैरह किस तरह का मामला है। मैं वहाँ आवेदन देने गई थी अपना, मैं FIR करने गई थी कि इस नंबर पे आवेदन किया जाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके साथ किसी महिला ने अपशब्द कहे हैं, उस संबंध में आवेदन दिया गया था जिसकी कायमी थाना सिविल लाइन में की गई है। इसके संबंध में विलम्ब से कायमी के संबंध में आवेदन दिया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक कार्यालय से की जाएगी। मेन मुद्दा हमारा जो कल महिला से संबंधित है, हमारे नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह गुड्डू सिंह के, उनको लेकर जो उन्होंने FIR करने में देर की और अभी तक कोई जांच नहीं करी, उसके विरुद्ध हम लोग का ये ज्ञापन। क्या मांगे आपकी? मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।